हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक मिश्रा है और मैं DIS का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मैंने UPSC 2016 में 379 रैंक स्कोर की है और आज मैं आप सबको GS पेपर 1 की अप्रोच के बारे में बताऊँगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। मेरे GS पेपर 1 में 123 मार्क्स आए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स को देखें UPSC के। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये GS पेपर 1 में तीन पिलर्स होते हैं, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज एंड ज्योग्राफी। तो इन तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है इस पेपर को अच्छे से करने के लिए। अगर हम देखें तो लगभग इक्वल अमाउंट्स में क्वेश्चन इन तीनों पार्ट से आते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी होता है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट भी होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट भी होता है। तो मैं आपको पहले हिस्ट्री से शुरुआत करता हूँ। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो अगर रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स के ट्रेंड्स को देखा जाए कि UPSC किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो उनका मेन फोकस इस चीज़ पे नहीं रहता है कि हिस्ट्री में कब क्या हुआ था। उनका मेन फोकस इस बात पे रहता है कि क्यों हुआ था। अगर ब्रिटिशर्स की कोई पॉलिसी थी तो वो क्यों इस तरह की पॉलिसी बनाई उन्होंने। अगर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी थी तो क्यों डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने बनाई। इसी तरह आर्ट एंड कल्चर में भी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम उस आर्ट, उस कल्चर, हमारा जो एंशंट कल्चर है, हमारा जो मिडिवल कल्चर इंडिया का, उससे हम आज क्या सीखते हैं, उससे हम आज क्या हम सीख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली UPSC पूछ रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप हिस्ट्री में याद करने की अप्रोच छोड़ करके उसको समझने की अप्रोच पे ध्यान दें। और हिस्ट्री को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझें कि किस चीज़ के कारण क्या हुआ। अगर ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह की थी तो वो क्यों थी, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया और उसके बाद किस तरह से हमारा नेशनल मूवमेंट उसी के बेस पर डेवलप हुआ, और उसके बाद किस तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स की, और किस तरह से उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। तो ये सब आजकल UPSC का एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस यही पूछ रहे हैं कि किसी भी चीज़ का कारण क्या था और क्या डिफरेंस था उन उस पर्टिकुलर चीज़ में और प्रीवियसली जो चीज़ें चल रही थी उसमें। तो अगर हम हिस्ट्री को समझेंगे, हिस्ट्री को समझने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम इस चीज़ को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि NCERT की बुक्स जो हैं हिस्ट्री की, वो आप अच्छे से पढ़ें, 6th से लेकर के 12th तक की। डजेंट मैटर कि ओल्ड NCERT है या न्यू NCERT है, दोनों ही अच्छी हैं। तो अगर आप दोनों को, अगर आप NCERT की बुक्स को काफ़ी अच्छे से अगर प्रिपेयर कर पाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल जो बिपिन चंद्रा की है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी अप्रोच डेवलप हो सकती है अगर आप उसको ढंग से पढ़ें तो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है कि ब्रिटिशर्स की हमारे देश को लेकर के क्या अप्रोच थी, क्या पॉलिसी थी, और उसके बाद कैसे उस चीज़ का रिएक्शन हुआ हमारी सोसाइटी में। तो जब आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेक्ट्रम पे ध्यान दें, क्योंकि स्पेक्ट्रम में बहुत ही छोटे से एरिया में काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, जो कि रिवीजन के पर्पस से काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप ये तीन बुक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम आते हैं दूसरे पिलर में, जो कि सोशल इशूज़ है। सोशल इशूज़ जो है वो इस पर्टिकुलर GS पेपर 1 का इकलौता ऐसा पार्ट है जहाँ पर करेंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। बाकी जो पेपर 1 है उसमें स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा होता है। तो सोशल इश्यूज़ में तीन चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा आप उस पर ध्यान दें। पहली चीज़ कि हमारी सोसाइटी में आपको पहली बात पता होनी चाहिए कि इश्यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि किस किस सेक्टर में इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि वुमेन से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, या हमारे शहरों से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, हमारे सोसाइटी में बूढ़ों को लेकर के क्या इश्यूज़ हैं, डिसेबल्ड को लेकर के क्या इश्यूज़ हैं। तो जब आपको सेक्टर्स पता होंगे कि इस सेक्टर में इश्यूज़ हैं, तो आप आगे जो उसमें जो अगले इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उनको सही तरीके से समझ पाएंगे और सही तरीके से सेग्रीगेट कर पाएंगे। उसके बाद इश्यूज़ क्या हैं, ये सब ये जानना बहुत ज़रूरी है।
समझने ये समझने के लिए कि करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। तो अगर हम देखें तो जैसे गवर्नमेंट ने लाया सुगम्य भारत अभियान, तो वो था डिसेबल्ड लोगों के लिए। अब हमें अगर पता होगा कि डिसेबल्ड लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, क्या क्या उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, तो हम जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करें, पहले अगर हमें ये समझना है कि इश्यूज़ कहाँ पे हैं और वो इश्यूज़ क्या हैं, तो हमें बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो कि NCERT है। NCERT में इंडियन सोसाइटी जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया एक बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो 11th और 12th की बुक्स हैं सोशल इश्यूज से रिलेटेड, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेसिक आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की हेल्प से आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है करंट सिनेरियो में उस चीज़ के लिए क्या क्या कर रही है, उस तरह को उस चीज़ को कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रही है। कि अगर शहरों में स्लम डेवलपमेंट हो रहा है तो स्लम के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, और स्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो जब आप इस तरह से अप्रोच लेकर के चलेंगे तो सोशल इश्यूज़ में आंसर लिखना काफ़ी अच्छा, काफ़ी आरामदायक होगा, काफ़ी अच्छे से आप आंसर लिख पाएंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तीसरा पार्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल भी है तो इसलिए मैं काफ़ी कंफर्टेबल था ज्योग्राफी में, बट जिनका ऑप्शनल नहीं है उनको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो है ये ज्योग्राफी वाला पार्ट ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट होता है जिसके कारण कि इसमें स्कोर करना काफ़ी इजी होता है। इसलिए अगर आप थोड़ा भी एफर्ट डालेंगे ज्योग्राफी में तो आपको काफ़ी आसानी होगी पेपर वन में मार्क्स लाने में। तो ज्योग्राफी के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि NCERT की 11th और 12th की जो बुक्स हैं उस पर आप काफ़ी थोरली उसको पढ़ें, और जब आप थोरली उसको पढ़ेंगे तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपसे मेन्स के क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। उसके बाहर से मुझे लगता है कि NCERT के बाहर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको उसके अलावा भी कोई बुक रेफ़र करनी है तो GC लियोंग आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही पतली पतली बुक हैं, NCERT भी और GC लियोंग भी, जो कि काफ़ी आसानी से बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लिया आपने तो आपको तीसरे किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। फिर आप करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं ना न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू, जिससे कि आपका पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आंसर राइटिंग। आपसे आपको अगर पूरी नॉलेज है हर चीज़ के बारे में आपको पता है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर में GS के या ऑप्शनल के स्कोर करने के लिए। तो मेरा अप्रोच इसमें आंसर राइटिंग में ये था कि मैंने ट्राई किया कि मैं हर पार्ट पे उतना ही ध्यान दूं। कोई कुछ लोग कहते थे कि इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ लोग कहते थे कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ कहते थे कंटेंट मैटर करता है, कुछ कहते थे कंटेंट मैटर नहीं करता है। मैंने हर पोर्शन पे उतना ही ध्यान दिया। मैंने सारे क्वेश्चंस जो लिखे उसमें इंट्रोडक्शन भी लिखा, मेन बॉडी भी लिखी, कंक्लूजन भी लिखा, और मैंने कोशिश की कि मैं जो मेन बॉडी है उसको मैं पॉइंट वाइज फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं। पॉइंट वाइज मैं इसलिए मैंने अप्रोच फॉलो की क्योंकि पॉइंट वाइज जब आप लिखते हो तो आपकी रिडंडेंसी होने के पॉइंट्स में रिडंडेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप हर एक पॉइंट पे कुछ नया देने की कोशिश करते हो और जिसके जिसका काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अनटिल एंड अनलेस, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तभी उस क्वेश्चन को छोड़ें, नहीं तो आपको अगर कुछ भी आइडिया है थोड़ा भी आता है आपको क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपको एक दो नंबर भी उस क्वेश्चन में मिल जाता है जिसमें आपको बहुत कम आ रहा है तो आप दो तीन नंबर के लीड ले सकते हैं और लोगों से, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो अच्छे से आते हैं उनको पहले कर लें, जो नहीं आते उनको बाद के लिए छोड़ दें, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करें सारे क्वेश्चंस को। अगर आप इस तरह से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पेपर को, GS1 को स्पेशली, तो आपको आई होप कि काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरी अप्रोच यही थी और मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो होप कि आप अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।